उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आई। 2009 में आरएलडी के कब्जे वाली सीट पर 2014 में बीजेपी ने कब्जा जमाया। बीजेपी ने दिल्ली के व्यवसायी कंवर सिंह तंवर को यहां अपना प्रत्याशी बनाया। आपको बताते हैं कौन है कंवर सिंह तंवर। कंवर सिंह तंवर अमरोहा लोकसभा सीट से 2014 में सांसद चुने गए। कंवर सिंह तंवर जनवरी 1961 में दिल्ली में पैदा हुए। पेशे से व्यापारी हैं और 2014 में बीजेपी में शामिल हुए और चुनाव जीते। बीजेपी से पहले कंवर सिंह तंवर कांग्रेस और बीएसपी में भी रह चुके हैं। कंवर सिंह तंवर का होटल और रियल एस्टेट का कारोबार है। कंवर सिंह तंवर हेलीकॉप्टर से आने जाने के लिए भी चर्चित हैं। कंवर सिंह तंवर अपने बेटे की भव्य शादी को लेकर भी सुर्खियों में आए थे। सांसद चुने जाने के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य बने। कई अन्य मंत्रालय समिति के भी सदस्य हैं कंवर सिंह तंवर। संसद का शीतकालीन सत्र नोटबंदी पर हुए संग्राम की भेंट चढ़ गया। विपक्ष विरोध की घड़ी हाथों में लेकर पीएम मोदी को वक्त की नजाकत समझाता रहा। प्रधानमंत्री मोदी को बार बार इस पर काउंटर करना पड़ा। सरकार नोटबंदी के फैसले को ऐतिहासिक बताकर उसके फायदे गिना रही है। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि कैशलेस सोसाइटी बनाने में आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सांसदों को नोटबंदी के यही फायदे जनता तक चुनाव प्रचार की तर्ज पर पहुंचाने के निर्देश जारी किए हैं। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। लिहाजा नोटबंदी के फायदे के साथ यूपी के अमरोहा से बीजेपी के सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों को नोटबंदी के फायदे गिना रहे हैं। सांसद कंवर सिंह तंवर नोटबंदी के फायदे के साथ सबसे पहले अमरोहा के हसनपुर पहुंचे। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में सांसद जी की सभा भी लगी। कंवर सिंह तंवर ने नोटबंदी के फायदे का दूसरा सियासी पत्ता जनता के बीच फेंका। दावा किया कि 50 दिन के बाद कैश की सारी किल्लतें दूर होने लगेंगी, लिहाजा कैश की परेशानी से निजात पाने के लिए लोगों को डिजिटल पेमेंट को अपनाने की नसीहत दी। डिजिटल पेमेंट के लिए सरकार की योजनाओं का जिक्र भी किया। डिजिटल भुगतान करने वाले 15,000 लोगों को रोज की 1,000 इनाम रोज
इतना ही नहीं, जनता के बीच पहुंचे सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने कैशलेस स्कीम के तहत अपने मोबाइल फोन से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का डेमो भी पब्लिक को दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी और कैशलेस स्कीम को जनता के बीच लेकर पहुंचे सांसद ने कारोबारियों को भी इसके फायदे गिनाए। सांसद ने कहा कि 8 नवंबर के पहले चाहे जो भी ब्योरा कारोबारियों ने अपने मुलाजिमों का सरकार को दिया हो, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, वो नया ब्योरा सरकार को बेझिझक दे सकते हैं। और अगर फिर भी कोई अधिकारी उन्हें परेशान करता है तो वो उनसे इसकी शिकायत कर सकते हैं। हमारे बिजनेसमैन भाई, यहाँ पर 8 नवंबर से पहला जो भी आपने कार्य कर रहे थे, फैक्ट्री चलाते हैं या कोई और कार्य कर रहे हैं, फैक्ट्री में 100 आदमी काम करते थे, अब आप 200 आदमी दिखा रहे हैं, पहले आप दिखाते नहीं थे। तो ये बात आपके सामने मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, 8 नवंबर से पहले आपसे कोई इंक्वायरी नहीं कराया, कोई भी अफसर, कोई आदमी आपसे पूछेगा नहीं पिछला व्यापार आपने क्या किया, और कोई पूछता है तो आप हमें बता सकते हैं उसके बारे में, कोई अफसर आपको तंग नहीं कर सकता, चाहे इनकम टैक्स का अफसर हो चाहे कोई भी अफसर हो। चौधरी कंवर सिंह तंवर के साथ उनकी पूरी टीम जनता को नोटबंदी के फायदे गिना रही है। कार्यकर्ता और जिले के पार्टी नेता भी नोटबंदी के पक्ष में ताल ठोक रहे हैं, लोगों को नोटबंदी के फायदे गिना रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को, जो गांव में उनको समझाओ, हम सब मिलके पूरे क्षेत्र में गांव-गांव जाएंगे तो सारे लोगों को, जनता को समझा रहे हैं कि कैसे कैशलेस जो सिस्टम है उसको डेवलप किया जाए और कैसे किस तरह से ये खाते से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, ये सब वहाँ जा के आज भी हम लोग गए हैं। सांसद जी भी 3 दिन तक पूरे क्षेत्र में इसी काम को करने वाले हैं और जिला संगठन और बाकी सब लोग भी हम गांव-गांव जाके लोगों को समझा रहे हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं है, आने वाले समय में इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर नोटबंदी के फायदे लेकर जनता के बीच पहुंचे हैं। नोटबंदी को लेकर सीधे जनता से संवाद किया जा रहा है, लेकिन नोटबंदी को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ये जानिए। इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर अपने सांसद जी आए हुए थे, उन्होंने सभी को मोबाइल द्वारा एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं, पैसा कैसे किसी को दे सकते हैं, तो मोबाइल द्वारा ट्रांसफर करके ये बताया, और इसका देश के लिए बहुत ही लाभकारी है। जो आज भ्रष्टाचार है वो धीरे धीरे समाप्त की ओर रहेगा। वास्तव में ये नोटबंदी नहीं, नोट बदली है। इसका लाभ ये है कि ये जो आतंकी थे कश्मीर में उन पर अंकुश लगा है, आतंकवाद के विरुद्ध है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। ये जो योजना है ये देश के विकास की योजना है, इससे देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जी, नोटबंदी हमारी सोच से तो बहुत अच्छा है और मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ऐसा करने से जो है ब्लैक मनी सामने आ गई है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है। और हमारे सोच से, हमने एक रिक्शा वाले से भी पूछा था कि आप पर नोटबंदी का क्या इफेक्ट पड़ा है, उन्होंने बोला कि उन पर तो नोटबंदी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि मतलब नोटबंदी होने से ब्लैक मनी लोगों का सामने आ गया है और जो ब्लैक मनी करते थे उनके अगेंस्ट ये मोदी जी ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है और हमारी सोच से बहुत अच्छा। सांसद कंवर सिंह तंवर अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को नोटबंदी के फायदे गिना रहे हैं। कुछ लोग
जहां नोटबंदी के फैसले के साथ हैं, तो ऐसे लोगों की भी कमी बिल्कुल नहीं है जिनके लिए नोटबंदी का सरकारी फैसला किसी मुसीबत से कम नहीं है। सांसद के इलाके में ऐसे कई मेहनतकश लोग कैमरे पर सामने आए जिनके लिए नोटबंदी का ये सरकारी फैसला सिर्फ और सिर्फ परेशानी का सबब बना। ये नोटबंदी है, ये सरकार का क्या सिस्टम है जिससे कि आम जनता सारी परेशान है। यहाँ पर लोग अस्पतालों में परेशान रहते हैं, बैंक को मारकर सुबह सुबह लाइन में लग जाते हैं, पूरा दिन परेशान रहते हैं। उसके बाद में बैंकर कह देते हैं कि कैश खत्म हो गया, इससे जनता परेशान नहीं होगी तो और क्या होगा। किसी भी नेता को देखो, कोई लाइन में लगा हुआ नहीं है। नोटबंदी से हमारी दुकानदारी जो पूरी तरह ठप हो गई है, लोग छोटी पेमेंट ना मिलने की है, नई करेंसी ना मिलने की है, लोग माल लेने नहीं आ रहे और बड़े नोट बंद होने की वजह से यहाँ लोग बड़े नोट ले नहीं रहे मालों में, लिहाजा मालों की जो है वापसी लौटा फेरी बिल्कुल बंद है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर सांसद कंवर सिंह तंवर नोटबंदी के फायदों की पाठशाला लगाकर जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उधर नोटबंदी के नफे नुकसान पर जनता की अपनी अपनी राय है। कोई परेशान है, किसी के घर खाने का संकट, तो नोटबंदी ने किसी के घर शादी पर ग्रहण लगा दिया। अब ऐसे में सांसदों की पाठशाला में जनता कितना समझ पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। विनीत कुमार अग्रवाल, इंडिया 24/7, अमरोहा।